बहुत रफ है, बहुत पब्लिक स्कूल चोहा खालसा के तुलबा और तालबात ने अपने ख्यालात को तस्वीरों में डाल दिया। स्कूल में कराई गई पेंटिंग में नन्हे मुन्ने मुसव्वरों ने अपने शाहकार पेश किए। आइए मज़ीद जानते हैं इनसे कि इनको किन मराहिल से गुजरना पड़ा और अपनी जो शाहकारी इन्होंने दिखाई उसमें वो क्या पैगाम देना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? नजला जैनब जी। कौन सी क्लास में आप? क्लास 9th। जो आज आपने पेंटिंग की है इस हवाले से आप क्या बताना चाहती हैं? आपने जो शाहकारी दिखाई है उसमें आप क्या डिस्प्ले करना चाहती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये बताना चाहते हैं ये पेंटिंग बनाने के हवाले से कि हमें दुनिया के जो इन्वायरमेंट है उसमें कम पॉल्यूशन फैलानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ ग्रो प्लांट करने चाहिए और अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा कम से कम व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, साइकिल्स ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सालिया हफीज। ये कौन सी क्लास में? क्लास 10th जी। आपने जो पेंटिंग बनाई है किस हवाले से पेंटिंग बनाई है? हमने पेंटिंग ये अर्थ कंपटीशन अर्थ डे के हवाले से बनाई है और इस डे को मनाने का मकसद ये है कि हम लोगों के अंदर और तमाम बच्चे जिन्होंने पेंटिंग की है उनके अंदर ये उनको बता सकें, उनके नॉलेज में ला सकें कि अर्थ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें जो आपका मैसेज है आपकी पेंटिंग में वो क्या था? क्या एनवायरनमेंट के हवाले से थी, अर्थ के हवाले से थी, उसमें क्या मैसेज देना चाहते, उसका थीम क्या था?
जी, हमारा जो पेंटिंग की है उसका थीम ये था कि हम अर्थ के इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि जो हमारा अर्थ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, तो हमें चाहिए कि कम पोल्यूशन फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा CFC गैसेस जो हैं उन पर कंट्रोल करें ताकि पोल्यूशन कम फैले और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही हैं। अगर हम CFC गैसेज यूज़ करते हैं तो उससे हमारी जो ओजोन लेयर है वो डैमेज होती है और हमारे लिए कैंसर, स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ जो हैं वो फैलती हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए पोल्यूशन कम क्रिएट करें और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कूड़ा क्रिकेट हमने फैलाया होता है तो उसमें जितनी भी रिसाइकलेबल चीज़ें हैं उनको रिसाइकल करें और इंडस्ट्रीज़ में दोबारा से लाएं ताकि पोल्यूशन कम हो और इन्वायरमेंट ज़्यादा बेस्ट हो। और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें, हम ट्री प्लांट्स करें ताकि उससे इन्वायरमेंट जो है वो और ज़्यादा बेस्ट हो और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। ये जो आपने पेंटिंग की है इसमें आपकी किस किस ने मुआवनत की है? इसमें हमारे टीचर्स ने हमारी मदद की है, उन्होंने बीच में हमारे साथ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। पहली बात ये, जब हम स्कूल में ये सब कुछ करते हैं तो तब डे वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पूरे कंपटीशन को, हर क्लास कौन कौन से दिन इस कंपटीशन को मनाएगी, और उसके बाद जब वो कंपटीशन करते हैं तो उसमें डिफरेंट उनको पिक्स दिखाई जाती हैं कि आप इस पिक के रिलेटेड आप और पिक बनाओगे, और उसमें आपके टीचर्स जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। वो हमें बताते हैं कि आप कैसे जो है वो ये पिक्चर बना सकते हैं और कैसे आप बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमारे नाज़रीन को पेंटिंग के हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि हर साल आप 22 अप्रैल को पुरजोश तरीके से मनाएं और अर्थ के अंदर जितना भी उसका एनवायरनमेंट है उसको बेस्ट बनाने में आप अपनी कोशिशें सर अंजाम दें और पोल्यूशन कम फैलाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। इस इवेंट को मुनक्कद करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इनसे पता करते हैं कि इस इवेंट का मनाने का मकसद क्या है। जी हफीज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो इवेंट है ये लास्ट ईयर भी हमने मनाया, इस दफ़ा भी मना रहे हैं, और इस इवेंट को सेलिब्रेट करने का पर्पज़ ये है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको शऊर और आगाही दी जाए कि वो इस ज़मीन और इस ज़मीन पर बसने वाले बासियों के लिए इस ज़मीन को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। और आए रोज़ जो मसाइल हमें ज़मीन से मुतल्लिका पेश हो रहे हैं, जैसे अर्थ पोल्यूशन है और पोल्यूशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको कैसे कम किया जाए और कैसे इन्वायरमेंट को बेहतर किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल मैसर हो सके। तो इस इवेंट का प्राइम पर्पज़ यही है जो हम लास्ट ईयर भी सेलिब्रेट किया और इस दफ़ा भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू। ये आप तो इतने अरसे से स्कूल में ये इस किस्म के प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं? जी ये हमारे दोनों कैंपसेस में लास्ट ईयर भी हुआ है, इस दफ़ा भी हमने किया है। लास्ट ईयर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्लांटेशन भी की थी और वो जो सारी एक्टिविटीज़ का जो चयन था वो हमने डिस्प्ले किया फेसबुक पर। इस दफ़ा भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम है कि आने वाले सालों में भी हम 22 अप्रैल को ये जो इवेंट है वो हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या समझते हैं इस किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद करने से बच्चों के जहन में क्या सलाहियत पैदा होती है, बच्चे इससे कितना सबक हासिल करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आज जो दुनिया का बाशऊर तबका है वो इस बात पर परेशान और फ़िक्रमंद है कि जो ज़मीन को हम आए रोज़ पोल्यूट कर रहे हैं और इससे हमारे लिए मुख्तलिफ तरह के गंभीर मसाइल पैदा हो रहे हैं। जब तक हम इन मसाइल के मतलब शऊर और आगाही नहीं देंगे अपनी नस्लों को तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो हमने इसको ग्रास रूट लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया ताकि हमारी नस्ल को आगाही मिले और वो इसकी बेहतरी और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। ये नन्नी मुन्नी मुसव्वर जो क्लास 1 की है इसने इंतहाई खूबसूरती के साथ अपना शिकार पेश किया और स्कूल बार में से पहली पोजीशन हासिल की। इसके बारे में जानने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल हफीज़ असकर साहब से पता करते हैं कि इस बच्ची की क्या खसूसियात थी जिसकी वजह से इसने स्कूल में विनर इनाम हासिल किया। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 1 का जो कंपटीशन था उसमें अराउंड 16 किड्स थे, तो उन बच्चों ने अपने अपने जो क्रिएटिविटी है उसको डिस्प्ले किया कलर्स की फॉर्म में, और ये बच्ची टीचर्स के और जजेस के डिसीजन के मुताबिक ये बेस्ट परफॉर्मर थी और इसने इस वजह से फर्स्ट पोजीशन हासिल की। क्योंकि हौसला अफजाई के लिए आप बच्चों में इनामात भी तकसीम करते हैं, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस इनामात से मुस्तफीद हो चुके हैं? ये इवेंट बेसिकली क्लास वाइज होता है, तो क्लासेस में जो डिफरेंट बच्चे होते हैं उनमें से फर्स्ट जो होता है उस बच्चे को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी आउट ऑफ ऑल ओनली वन इज़ विनर। तो ये 1 क्लास, फिर 2, फिर इस तरह से अप टू ग्रेड 10 के बच्चों को जो है ना वो अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं।
जी नाज़रीन, हाल मार्क पब्लिक स्कूल चौहा खालसा के तुलबा का कहना है, जो कुछ उन्होंने देखा समझा उसको रंग और ब्रश से कागज़ पर उतार दिया। निसाबी सरगर्मियाँ हों या हम निसाबी सरगर्मियाँ, हाल मार पब्लिक स्कूल के तुलबा किसी से पीछे नहीं रहते। कैमरामैन मोहम्मद तोकीर के साथ